रूस को स्कोव एयरबेस हमले में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। रूस का सबसे आधुनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर इस हमले में तबाह हुआ है। इसके अलावा रूस के सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान भी नष्ट हो गए। इस हमले के बाद क्रेमलिन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में तय हो चुका है कि स्कोव हमले का ऐसा प्रतिशोध लिया जाएगा जैसा यूक्रेन ने आज तक नहीं भुगता है, यानी सबसे बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। यह हमला टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हो सकता है। इसके टारगेट कौन कौन से देश हैं और ये देश रूस के निशाने पर क्यों हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन ने चतुराई भरी युद्ध नीति अपनाई और दुश्मन को क्षेत्र पर वार किया जहां पहुंचना सबसे कठिन था, लेकिन पहुंचने के बाद सटीक वार करना बहुत आसान। यूक्रेन का टारगेट बना उत्तर पश्चिम रूस का स्कोव एयरबेस, क्योंकि रूस ने सोचा भी नहीं था कि अक्षम यूक्रेन छल और मित्रों की ताकत का इस्तेमाल करके यहां पर हमला कर सकता है। उस क्षेत्र पर रूस ने सटीक हमला किया जिसके बारे में रूस निश्चिंत था। ये रूस के तबाह हुए IL-76 विमान के अवशेष हैं। हमले से कुछ मिनट पहले ही यह विमान लैंड हुआ, टैक्सी वे पर पहुंचा और इसके बाद यूक्रेनी ड्रोन का शिकार हो गया। स्कोव बेस पर क्या हुआ उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सैटेलाइट से ली गई हैं और कुछ धुंधली हैं, मगर अंदाजा लगाना आसान है। हमले के बाद स्कोव बेस के रनवे पर फायर फाइटर ट्रक नजर आ रहे हैं। स्कोव एयरबेस पर हमला रूस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इस हमले में क्या हुआ इसकी डिटेल समझिए। स्कोव एयरबेस पर तैनात एक TU-22 न्यूक्लियर बॉम्बर नष्ट हो गया। TU-22 बॉम्बर न्यूक्लियर और मिसाइल हमले के काम आता है। इसके अलावा 6 IL-76 विमान भी तबाह हो गए। ये विमान सैन्य साजो सामान की आपूर्ति के काम आते हैं। यूक्रेन के इस हमले में कुल 7 विमानों का नुकसान हुआ है। अब नुकसान का हिसाब किताब जानिए। हमले में एक TU-22 बॉम्बर तबाह हुआ। इसकी कीमत है 62,000 करोड़ रुपए। इस हमले में 6 IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान तबाह हुए। इन विमानों की कुल कीमत है 2,538 करोड़ रुपए। इसके अलावा एयरबेस पर रूस के रनवे तबाह हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा। इस हमले में रूस को करीब करीब 62,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि यूक्रेन ने हमले में कुल 18 ड्रोन इस्तेमाल किए। इनकी कुल कीमत 3,42,00,000 रुपए है। यानी यूक्रेन ने सस्ते ड्रोन से रूस को बहुत गहरे जख्म पहुंचाए। खास बात यह है कि जितने विमानों का नुकसान हुआ उतने विमान बनाने में रूस को 3 साल तक लग सकते हैं। स्कोव हमले के बाद क्रेमलिन ने सबसे बड़े प्रतिशोध की फाइल साइन कर दी। 30 अगस्त की देर रात क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक हुई। इस बैठक में पुतिन सहित कुल 6 स्थायी सदस्य ही शामिल हुए। बैठक में स्कोव हमले की रिपोर्ट पेश की गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले में एस्टोनिया भी शामिल हो सकता है। रूस के विदेश मंत्रालय ने यह माना कि यूक्रेन के ड्रोन स्कोव तक नहीं जा सकते, क्योंकि नॉर्थ यूक्रेन से रूस के स्कोव शहर की दूरी 700 किलोमीटर है। अगर नॉर्थ यूक्रेन से लॉन्ग रेंज ड्रोन हमला होता तो ड्रोन बेलारूस के एयर स्पेस से गुजरते, बेलारूस का रडार सिस्टम ड्रोन ट्रेस करता और एयर डिफेंस उसे मार गिराते। रूस का मानना है कि स्कोव पर हमला एस्टोनिया की जमीन से किया गया, क्योंकि पेस्कोव की एस्टोनिया से दूरी महज 30 किलोमीटर है। जिस स्वार्म ड्रोन से हमला हुआ उसकी रेंज 50 किलोमीटर तक है।
हालात देखकर लगता है कि एस्टोनिया से ही ये हमला संभव है। एस्टोनिया की जमीन से ही रूस के पेस्कोव शहर पर हमला किया गया। पुतिन ने इस हमले का सबसे बड़ा प्रतिशोध लेने की तैयारी पूरी कर ली है और इस प्रतिशोध की आग में सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि आसपास के कई देश जल सकते हैं। स्कोव हमले के प्रतिशोध की बारूदी शुरुआत हो चुकी है। यह हमला महज शुरुआत है और इससे कहीं ज्यादा सहारक हमले की तैयारी हो चुकी है। स्कैंडर एम मिसाइल सिस्टम का नया बैच रूस से बेलारूस पहुंच चुका है। इस बैच में 10 नए स्कैंडर सिस्टम बेलारूस में तैनात हो चुके हैं। बेलारूस में स्कैंडर और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पहुंचाए जा चुके हैं। प्रतिशोध की आंधी का पहला एपिसोड स्कैंडर से शुरू हो सकता है। बेलारूस की जमीन से स्कैंडर मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन, पोलैंड, लात्विया और एस्टोनिया पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है। बेलारूस के बॉर्डर पर वैगनर की स्पेशल कमांडोज तैनात हैं। इनके पास डर्टी बम, वैगनर ग्रुप के लड़ाके पोलैंड और यूक्रेन पर एक साथ धावा बोलकर डर्टी बम विस्फोट कर सकते हैं। स्कोव के परमाणु प्रतिशोध का प्लान तैयार है और चिंगारी कभी भी ज्वाला में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।